दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। Hey guys, what's up? Vasav here, back with another video and congratulations to Ashish. उन्होंने जीत लिया है PlayStation 4 Slim का giveaway और थोड़े ही दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा उनकी वीडियो जब मैं उनको हैंडओवर करूंगा PlayStation 4 Slim। और गाइस अभी बात करते हैं PES 2019 वर्सेस FIFA 2019 की, क्योंकि बहुत दिनों से ये वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं इन दोनों ही गेम्स को खेल रहा था। पर्सनली मैंने खेला और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो अब बनाई जाए, क्योंकि अब मुझे इतनी नॉलेज तो हो गई है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इन दोनों में से कोई भी एक गेम परचेस करते वक्त। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहली बात करते हैं डेवलपमेंट की। कोनामी ने डेवलप की है PES 2019 और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के स्पोर्ट्स सेक्शन ने, जिसको कहते हैं EA स्पोर्ट्स, उसने डेवलप की है FIFA 19। तो बात करें इन दोनों की हिस्ट्री की, तो FIFA सबसे ज़्यादा पुरानी गेम है। 1993 में पहली गेम लॉन्च हुई थी FIFA इंटरनेशनल सॉकर, और उसके बाद कोनामी ने लॉन्च किया था PES वर्जन 2001 में। तो करीब 11 साल का डिफरेंस था इन दोनों की लॉन्चेस में, और ऑब्वियसली जिस कंपनी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है होना ये चाहिए कि गेम उसी की ज़्यादा अच्छी हो, गेम प्ले भी अच्छा हो, ग्राफिक्स भी अच्छे हो, मैकेनिक्स भी अच्छे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़े से ट्विस्ट हैं। अगर हम बात करें FIFA 2019 की, तो गाइस FIFA 2019 जो मैंने खेली है अभी तक तो मेरे को बहुत अच्छे ग्राफिक्स लगे। हालांकि बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि PES के ग्राफिक्स जो हैं वो FIFA से अच्छे हैं, और PES गेम प्ले में ठीक ठाक है लेकिन FIFA गेम प्ले में ज़्यादा अच्छा है PES से। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से PES के ग्राफिक्स इस बारी ऑलमोस्ट FIFA जैसे ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। FIFA के ग्राफिक्स इनफैक्ट मुझे इस बारी ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे इंस्टेड ऑफ PES, बिकॉज PES में थोड़ा सा फेकनेस इस बारी लग रही थी। जो आप देख सकते हैं मेसी का जो फेस है या फिर जो भी प्लेयर्स के फेस कट्स हैं वो उतने रियलिस्टिक नहीं लगे मुझे जितने FIFA में लगे। ये गाइस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका जो ओपिनियन हो वो अलग हो। और गाइस एक चीज़ जो है दोनों ही गेम्स ऑफर करती है वो है मल्टीप्लेयर। तो मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेस्ट किया मल्टीप्लेयर को, क्योंकि मैंने सिंगल प्लेयर मैचेस बहुत कम खेले, मैंने मल्टीप्लेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया, और हैंड्स डाउन FIFA का मल्टीप्लेयर बहुत ही स्मूथ था। मेरे को जो पिंग मिल रही थी FIFA के मल्टीप्लेयर खेलते हुए वो मिल रही थी करीब 40 से 50 ms, जो कि बहुत 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 लो है। और यही PES की बात करूं तो इसकी भी पिंग अच्छी थी, लेकिन बहुत टाइम ऐसा हुआ कि PES की जो पिंग है वो अक्रॉस 500 चली गई, जिससे गेम प्ले लैग हो रहा था। तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप मल्टीप्लेयर ज़्यादा खेलने वाले हो तो गो फॉर FIFA। और गाइस बात करते हैं अब रियलिज्म की, कि क्या क्या प्लेयर्स और क्या क्या लोकेशंस आपको स्टेडियम्स वगैरह किस में ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस आए हैं PES 2019 में और FIFA 2019 में। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि FIFA 2019 में इस बार इंक्लूड की गई है UEFA चैम्पियंस लीग, जो कि बहुत लोग जिसके दीवाने हैं। और आपने अगर वो गेम प्ले वीडियो में मेरी नहीं देखा तो वो प्लीज़ देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो FIFA की स्टार्टिंग है वो सीधा UEFA चैम्पियंस लीग से ही स्टार्ट होती है। बहुत अच्छा गेम प्ले है, जिस तरह की स्टार्टिंग दिखाई गई है FIFA 2019 की वो बहुत अमेजिंग है। लेकिन अगर यही PES की बात करें तो PES के पास इस बारी कोई भी ढंग के लाइसेंसेज नहीं थे किसी भी अच्छी लीग को होस्ट करने के, तो PES यहाँ पे पीछे रह जाती है FIFA से इस मामले में एटलीस्ट, कि आपको जो लीग्स और चैंपियनशिप्स देखने को मिलेंगी वो FIFA में मच 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 बेटर है। यहाँ पे इसी के साथ मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि PES का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि PES में मैंने ज़्यादा गोल स्कोर करे इंस्टेड ऑफ FIFA। FIFA में कुछ मैचेस ऐसे भी थे जो मैं बिल्कुल कम्प्लीटली हार गया, और कुछ मैचेस ऐसे थे जो मैं टाई करके मतलब आगे बढ़ा या फिर जीत के आगे बढ़ा। लेकिन PES में मैंने 90% ऑफ द मैचेस जो थे वो जीते। मैंने एटलीस्ट 10 मैचेस ज़रूर खेले होंगे, और मुझे नहीं याद कि PES में मैंने शायद एक मैच हारा था, वो भी स्टार्टिंग में जब मैंने परसों खेलना शुरू किया था तो मैंने सिर्फ एक मैच हारा था। तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो PES का काफ़ी कम है FIFA के कंपैरिजन में। और गाइस इससे भी ज़्यादा एक मेन पॉइंट पे बात करते हैं दोनों के प्राइसेस के बारे में। अगर आप लेने जाते हैं फुटबॉल से रिलेटेड कोई भी गेम तो आपको प्राइसेस क्या मिलेंगे। गाइस मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बारी ज़्यादा लाइसेंसेस नहीं थे PES के पास, इसलिए PES का प्राइस भी कम है। 3000 रुपये के आसपास आपको ये गेम मिल जाएगी, जबकि FIFA 2019 आपको 3700 to 3800 के आसपास मिल जाएगी। और अगर आपके पास इन दोनों ही गेम्स में से या कोई भी गेम है जो आप एक्सचेंज करा के लेना चाहते हैं तो कारगर इलेक्ट्रॉनिक पे आपको और भी बढ़िया डील मिल जाएगी, जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फीफा 2018 है तो आपको अप टू 700 रुपीज़ या 800 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क कंडीशन के कितने स्क्रैचेज हैं कितने नहीं हैं उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप नई गेम कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 700, 800 से लेकर 1000 रुपये बचाने हैं तो डेफिनेटली गो फॉर पेस 2019। लेकिन यहाँ पे फीफा 2019 की खास बात यह है कि अगर आप इस गेम को पिक कर लेते हैं और थोड़े टाइम खेलने के बाद इसको रीसेल करते हैं तो फीफा 2019 की वैल्यू जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी इंस्टेड ऑफ पेस, क्योंकि पेस की इतनी डिमांड भी नहीं है और प्राइस पहले से ही लो है। तो फीफा अगर आप खेलना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि फुटबॉल के मामले में आप फीफा के साथ ही जाएं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ग्राफिक्स के मामले में फीफा कहीं पे भी नहीं है पेस के सामने, तो वो डिफरेंस अगर कहीं पे आपको लगेगा भी वो तभी लगेगा जब आप साइड टू साइड दोनों गेम्स एक साथ खेलेंगे, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स नहीं करने वाले। आप दोनों ही गेम्स को साथ साथ दो टीवी पे चला के नहीं देखने वाले कि किसके ग्राफिक्स में डिटेलिंग ज़्यादा है या कम है। बस बात इतनी सी है कि पेस में जो ग्रास वगैरह है और जो स्टेडियम का क्राउड है वो थोड़ा सा लाइक 19-20 का फर्क होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। लेकिन फीफा में भी इस बारी ग्राफिक्स में इंप्रूवमेंट्स बहुत अच्छी हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इन दोनों ही गेम से रिलेटेड, और साथ में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, टेक केयर, बाय बाय।